तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइव गुरु चैनल में। मैं हूं प्रफुल्ल। दोस्तों आज के इस न्यूज जंक्शन में हम कवर कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2023 को। अब दोस्तों होम और अवे वाला फॉर्मेट एक बार फिर हमारे सामने आ रहा है और इंडिया का त्यौहार कुछ ही दिनों में हमारे सामने होगा। और कोची में हुए ऑक्शन की बसर तो दोस्तों आप सभी के सामने रही। 243 प्लेयर्स को भैया आईपीएल 2023 का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, जिसमें कि पहली बार नामीबिया और आयरलैंड के खिलाड़ी हमें खेलते नजर आएंगे। अब दोस्तों जहां हर दूसरे तीसरे आईपीएल सीजन में हमें कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी मिलता है जो कि इस आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी बन जाता है, ऐसे में कभी आपके जहन में ये बात आई कि पाकिस्तान का अगर कोई खिलाड़ी, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन ना होते तो क्या पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी ऐसा होता जैसे कि बाबर आजम या फिर शाहीन शाह अफरीदी, जो कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी बनता? इस बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। खैर, बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो बैन किया है, लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी तो आज भी हमारी आईपीएल में खेलते नजर आते हैं। तो भैया पेश है करेंटली 243 प्लेयर्स में से वो तीन खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान से वास्ता रखते हैं। भाई पहले तो हम बात करते हैं भैया आईपीएल 2023 में डेब्यू करने वाले सिकंदर रजा की। पाकिस्तान की एयरफोर्स में भर्ती होने की उम्मीद रखने वाले रजा का जन्म 1986 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजा एयरफोर्स स्कूल में पढ़ चुके हैं, लेकिन आई टेस्ट पास न कर पाने की वजह से भैया उनका ये जो सपना है सपना ही रह गया। हालांकि फिर इनकी फैमिली जो है वो 2002 में जिम्बाब्वे में जाकर शिफ्ट हुई, वहीं बस गई, और जिसके बाद से भैया सिकंदर रजा के क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत हुई। जिम्बाब्वे का ये धाकड़ ऑलराउंडर शिखर धवन की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स के लिए फिनिशर और स्पिनर की भूमिका में नजर आएगा। रजा के T20 करियर पर नजर डाले तो 158 T20 फॉर्मेट के मैचेस इन्होंने खेले हैं, 3109 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 129.81 और 7.34 की इकोनॉमी के साथ 79 विकेट्स भी चटकाए हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जांजी लीग में इन्होंने अपना योगदान दिया है। और अब जब सिकंदर रजा आईपीएल में अपना पदार्पण करेंगे, यानी कि आईपीएल में अपने पहले मुकाबला खेलेंगे, तो दोस्तों आपके लिहाज से क्या ये आईपीएल सिकंदर रजा के लिए स्पेशल होगा? क्या पंजाब किंग्स के लिए सिकंदर रजा बेहतर खिलाड़ी साबित होंगे एज अ फिनिशर? आपका क्या ख्याल है दोस्तों, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम पढ़ते हैं हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर। भाई आदिल राशिद, जिनके लिए आईपीएल में ताजा ताजा रेड कार्पेट सजा है और जो पीओके के मीरपुर से नाता रखते हैं, 1967 में राशिद की फैमिली मीरपुर से इंग्लैंड शिफ्ट हुई थी, जहां इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर में उनका जन्म हुआ। भाई लोग आईपीएल के मिनी ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने आदिल राशिद में दिलचस्पी दिखाते हुए 2 करोड़ की बेस प्राइस में उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया। T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो आदिल राशिद ने 248 मैचेस खेले हैं, 275 विकेट चटकाए हैं एट एन इकोनॉमी ऑफ 7.48। वैसे तो दोस्तों अगर हम देखें तो SRH की टीम में अकील हुसैन जैसे धाकड़ स्पिनर मौजूद हैं, जो कि भैया हाल फिलहाल बिग बैश लीग में तबाही मचा रहे हैं। तो ऐसे में ओवरसीज प्लेयर्स के खेलने के सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्या आदिल राशिद भैया SRH की कोर टीम में शामिल होने की काबिलियत रखते हैं? क्या SRH उन पर इस लेवल पे भरोसा कर सकती है? दोस्तों इस बात पर विचार करते हुए अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर अब हम बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के तीसरे खिलाड़ी की ओर। भैया इनके काम और इनके नाम को हम सभी बखूबी जानते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल करियर हो या फिर आईपीएल की जर्नी। दोस्तों इंग्लैंड और CSK के स्पिन ऑलराउंडर मोइन अली की बात अब हो रही है, जो कि भैया आईपीएल ऑक्शन से पहले ही CSK के द्वारा रिटेन कर लिए गए थे। अगर हम CSK और थला धोनी की बात करें तो कई मौकों पर इन्होंने मोइन अली पे भरोसा जताया है और कई ऐसे मुकाबले हैं जिनमें मोइन अली का खास अहम योगदान रहा है। और अगर हम इस अपकमिंग सीरीज की बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मोइन अली जो है वो CSK की विक्ट्री में इस बार फिर अहम भूमिका, अहम योगदान देते नजर आ सकते हैं। अगर हम मोइन अली के स्टैट्स की बात करें तो भैया आईपीएल में इन्होंने 44 मुकाबले खेले हैं, 910 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 144। और अगर हम इनके बॉलिंग करियर की बात करें दोस्तों आईपीएल में, तो इन्होंने 44 मैचेस में 24 विकेट्स निकाले हैं और इकोनॉमी रही है 6.79। अब ये तो हुई बात दोस्तों इन तीन खिलाड़ियों की, लेकिन कभी अगर मौका मिलता है आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को, तो आपके अकॉर्डिंगली दोस्तों वो तीन ऐसे कौन से खिलाड़ी होंगे, चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज ऑलराउंडर, वो कौन से तीन ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनमें इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजीज
दिलचस्पी दिखाएंगी। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो पे लगाते हैं हम लगाम, जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही आईपीएल की और तमाम अपडेट्स के साथ। और साथ ही साथ भाई, सुबह सुबह हमने आज ऋषभ पंत का दुखद समाचार हमने सुना है, उनका एक्सीडेंट हुआ, और उनकी लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं ऋषभ पंत जल्द ही रिकवर हो और वापस से हमें मैदान में खेलते नजर आए। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही, जल्द हाजिर होगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन के रूप।